तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने वीआई सिम की डीएनडी सर्विसेज को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपने डीएनडी सर्विसेज को कैसे डीएक्टिवेट करना है। इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना है। उसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस, आपको अपनी वीआई सिम पर डीएनडी सर्विस मतलब डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को सिंपल से आपको वीआई सर्च कर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइस, जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। एंड जैसे ही ओपन करते हैं तो आप इधर पर लॉगिन वगैरह अपना नंबर डाल के कर लीजिएगा। एंड जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो माई अकाउंट का एक नीचे साइड पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है लेफ्ट साइड पर। इस ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो कई ऑप्शन इधर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड मोर सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। इधर पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का सर्विस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आपको अपनी वीआई सिम की डीएनडी सर्विसेज को डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपल से आपको वीआई का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एंड सिंपल से एप्लीकेशन को आपको लॉग इन कर लेना है अपने फ़ोन नंबर डालकर। एंड जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं, इधर पर माई अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। एंड गाइस, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर साइड पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आपकी अकाउंट डिटेल दिखाई जाती है। एंड नीचे साइड पर आपको इधर पर सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस मोर सर्विसेज के ऑप्शन पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब डीएनडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस डीएनडी के ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इधर पर आपकी जो भी डीएनडी सर्विस एक्टिवेट होगी वो इधर पर दिखा दी जाती है। तो योर डीएनडी इज फुल्ली एक्टिवेट है, मतलब मैंने फुल डीएनडी एक्टिवेट कर रखी है अपने सिम पर। अब मैं इसको डीएक्टिवेट करना चाहता हूं तो डीएक्टिवेट का फाइनल से मेरा ऑप्शन आ जाता है इधर पर। आपका भी ऑप्शन आ जाएगा, आप पूरी इधर पर एक्टिवेट किए हों या फिर आधी एक्टिवेट किए हों तो डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन आपके में आ जाएगा। तो सिंपल से डीएक्टिवेट पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। एंड इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दिस जनरली टेकन 24 hours टू गेट डीएक्टिवेटेड, मतलब आपकी जो सर्विसेस हैं वो 24 hours में डीएक्टिवेट हो जाएंगी। अब आपको सिंपल से यस के बटन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही गाइज यस के बटन पर क्लिक करते हैं, जो आपकी डीएनडी सर्विसेज होंगी वो आपकी 24 hours के अंदर डीएक्टिवेट हो जाएंगी। वैसे तुरंत डीएक्टिवेट आपके में हो जाएंगी, 24 hours आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अपनी डीएनडी सर्विसेज को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यस पर नहीं क्लिक करूंगा। आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपकी डीएनडी सर्विसेज इधर पर डीएक्टिवेट हो जाएंगी। सो गाइस, जिस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने वीआई सिम की डीएनडी सर्विसेज को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।